हमारा यहाँ से 30-35 किलोमीटर। मैंने कहा भाई तू आया हुआ है, चल गांव में वो धोक वोक मारते हैं पूजा पाठ की। मैं उसको गाड़ी में बैठा के जाने लग रहा था, यहाँ कलानौर के पास फरवरी का महीना था, खेतों में सरसों ही सरसों दूर तक। पापा एक बार रोको। मैंने गाड़ी रोक दी, क्या करेगा कि देखो कितना गजब का नज़ारा है, इतना तो बढ़िया सीन मैंने कहीं दूर दूर तक तो सरसों के पीले खेत ही खेत। मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा देख ले भाई उतर के क्या करेगा। कि नहीं नहीं उतर गया वो, और उतर के पता क्या कहता है, कहता है मैंने कहा क्या करेगा, कहता सेल्फी लूँगा। शक्ल चाहे किसकी किसी हो लेकिन सेल्फी सब लेते हैं। ले ले भाई मेरा काम तो है नहीं। वो सेल्फी लेने लग गया और मैं वहाँ सड़क पे टहल रहा था। ऐसे ही इधर आगे गया पीछे गया तो देखा मजदूर लगे हुए हैं दो कस्सी से। पहले मजदूर ने गड्ढा खोदा और मिट्टी बाहर निकाल दी, फिर वो तो पीछे हट गया। दूसरा मजदूर आया जो मिट्टी निकाली थी ना वो कस्सी से सारी उल्टी उस गड्ढे के अंदर। मैंने देखा रही क्या बेवकूफ़ी है, मैंने पीछे देखा दूसरे गड्ढे में भी ऐसी मिट्टी डली, 15 गड्ढे खोद रखे पट्टों ने। मेरी समझ में नहीं आया भाई, एक खोदता है दूसरा उसको भर देता। मैंने कह रहा ये क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ जीवन की सबसे बड़ी सीख उसमें से निकली। कहता बाबू जी इसमें दुखी होने की कौन सी बात है, हम 3 मजदूर हैं, पहले मजदूर का काम गड्ढा खोदना है, दूसरे मजदूर का काम उसमें पौधा रखना है, तीसरे मजदूर का काम है उसमें मिट्टी डाल के उसको लगाना है, आज बीच वाला मजदूर छुट्टी पे है। अपना काम किसी दूसरे की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहता हूं अगर ये सीख हमें मिल जाए, अगर ये सीख हमें मिल जाए तो और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी सीख लेने की जरूरत नहीं है।